महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पटरी पर आती नहीं दिख रही। मैराथन बैठक के बाद कहीं जाकर 255 सीटों का ऐलान हो सका है। एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच 85-85 सीटों का बंटवारा हुआ है, लेकिन इन सब में उद्धव ठाकरे हाशिए पर नजर आ रहे हैं। उद्धव की चाह 100 सीटों की थी, बावजूद इसके 85 सीटें उनके खाते में आई। उद्धव लगातार सीएम फेस घोषित किए जाने की मांग कर रहे थे और कांग्रेस आलाकमान के दरबार में लगातार हाजिरी भी लगा रहे थे, लेकिन बावजूद इसके बात नहीं बनी। भले ही 15 सीटों पर मंथन बाकी है, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं कि उद्धव गुट सेंचुरी पार कर सके, जिसकी गूंज आए दिन संजय राउत के बयानों से सुनने में आती रही। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उनके हिस्से में 124 सीटें आई थीं। 54 सीटों पर जीत हासिल शिवसेना ने की थी। ऐसे में क्या उद्धव पलटी मारने की तैयारी करेंगे या फिर अघाड़ी की गाड़ी पर ही सवार होकर महाराष्ट्र की सियासत करते रहेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है उद्धव ठाकरे के लिहाज से अगर हम बात करें तो, क्योंकि उद्धव ठाकरे का कद कम होता दिखाई दे रहा है एमवीए में। जिस एनडीए में वो थे उसमें वो बड़े भाई की भूमिका में थे, ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते थे, और अब जब एमवीए के साथ पहली बार विधानसभा का वो चुनाव लड़ रहे हैं तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की, ये तीनों बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि 100 सीट पर भी नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, 85 सीटें ही सबके खाते में आई है। उद्धव ठाकरे के भी खाते में 85 सीटें आई हैं। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर एमवीए में सीट शेयरिंग तय हो गई है, 85-85 सीटों पर फिलहाल बात बनी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 85 सीटों पर लड़ेगी, जबकि शरद पवार की एनसीपी को भी 85 सीटों पर लड़ेगी, ये भी तय हो गया है। कांग्रेस भी 85 सीटों पर ही लड़ेगी, 15 सीटों पर अभी बातचीत जारी है। इसके अलावा 18 सीटें ऐसी हैं जिनको अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ने का फैसला इन तीनों दलों ने एमवीए के तहत किया है। अब देखना यह है कि जो 15 सीट जिन पर अभी फैसला होना बाकी है, जिन पर बातचीत जारी है, उन 15 सीटों में कितनी सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिलती हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट लगातार जारी होने लगी है और इस बीच कई बैठकों के बाद राज्य में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में भी सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। इसके बाद कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बुधवार को 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। 270 सीटों पर जो फॉर्मूला सामने आया है उसमें 255 सीटों की घोषणा हो गई है, यानी 15 सीटों पर फैसला होना बाकी है। एमवीए के तीन दलों में 15 सीटों पर अभी भी चर्चा जारी है, जबकि 18 सीटें गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों के लिए छोड़ी गई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो गया है। कांग्रेस एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की बैठक में सीटों के समझौते पर आखिरी मोहर लग गई है। तीनों पार्टियों ने 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, बाकी 18 सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के साथ अलायंस के लिए रखी गई है। तीनों दलों के एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि बाकी 18 सीटों पर हम अपने गठबंधन के अन्य दलों से बात करेंगे। हम महाविकास अघाड़ी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और हम सरकार बनाएंगे। हमारी 18 सीट जो है तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है
उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी। बीते कई दिनों से सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी की बातचीत नतीजे पर पहुंच गई। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के बीच 270 सीटों पर समझौता हुआ है, बाकी 18 सीटें अन्य सहयोगी दलों को मिलेंगी। उधर महाराष्ट्र के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे हैं। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने मिलकर महाविकास आघाड़ी का गठन किया था। इस बार के महाराष्ट्र चुनाव में मुकाबला पार्टियों के बजाय दो गठबंधनों के बीच देखने को मिलेगा। सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास आघाड़ी आमने सामने होंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी के अंदर सीटों के तालमेल को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन अभी भी फॉर्मूला पूरी तरह से नहीं आया है। आधा अधूरा फॉर्मूला ही है। कांग्रेस 85 सीट पर लड़ेगी, शिवसेना उद्धव ठाकरे की 85 सीटों पर और शरद पवार की एनसीपी भी 85 सीटों पर लड़ेगी, ये तो ऐलान किया गया, लेकिन 15 सीटों पर अभी भी विवाद बना हुआ है। सहयोगी दलों के लिए 18 सीटें छोड़ने का एक फैसला किया गया है इन तीनों दलों के द्वारा। इस पर सहमति जरूर बनी है, लेकिन अभी भी 15 सीटों पर तीनों दलों के बीच बात बन नहीं पाई है। तो बैठकों का दौर लगातार चला, लेकिन सहमति पूरी तरह से अभी तक नहीं बनी है। 20 नवंबर को वहां पर चुनाव होना है, 18 नवंबर तक प्रचार होगा, तो इस लिहाज से आप देखिए कि एक महीना से भी कम का समय है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और अभी तक सीटों का फाइनल नहीं हुआ है। उम्मीदवारों का ऐलान तो कुछ जरूर हुआ, लेकिन अभी तक सीट पूरी तरह से फाइनल नहीं हो पाया है। अब हम आपको चलिए बताते हैं कि एमवीए में किन किन सीटों पर पेच फंसा हुआ है। भिवंडी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है जिस पर पेच फंसा है। कौन लड़ेगा, सब दावेदारी कर रहे हैं तीनों दल। वर्सोवा, कुलाबा, भायखला, नागपुर साउथ, चंद्रपुर, वरोरा, दरियापुर, एरंडोल, बनी, चंद्रपुर, ये सीटें हैं जहां पर पेंच फंसा हुआ है। और गठबंधन यानी कि एमवीए के जो तीनों दल हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, तीनों का दावा है। 15 सीटें ऐसी हैं जिसके बारे में हम लगातार आपको बता रहे हैं कि उस पर पेंच फंसी है और अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जहां तक उद्धव ठाकरे की बात है तो उद्धव ठाकरे चाहते थे कि वो बड़े दल के तौर पर रहें और ज़्यादा सीटों पर लड़ें। कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी से ज़्यादा सीटों पर उनकी दावेदारी हो, लेकिन बराबर बराबर हिस्सों में सीटों को लेकर बंटवारा हुआ है। 85-85 सीटों पर तीनों पार्टियां लड़ेंगी और चाहते हैं उद्धव ठाकरे की कम से कम 100 सीटें उनके खाते में आए। और ये जो 15 सीटों पर अभी पेंच फंसा है, उन सीटों में ऐसा भी है कि सभी सीटें उद्धव ठाकरे के पाले में नहीं जाएंगी, तो ये माना जा सकता है कि किसी भी स्थिति में 100 सीटों पर तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी नहीं लड़ने जा रही है इस विधानसभा के चुनाव में। अब 2024 के चुनाव में उद्धव की ताकत कम होती दिखाई दे रही है। 100 सीटों की मांग उन्होंने की थी, 85 सीटों पर तालमेल हुआ है, 85 सीटें ही उन्हें मिली हैं। ये उद्धव की बात हम कर रहे हैं। सीएम फेस की मांग उन्होंने जो की थी वो भी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है।
संजय राउत जो कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार मीडिया के सामने आते रहे हैं, दावा करते रहे हैं कि सब हम लोग एक हैं और एक साथ बैठकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उनका जो दावा है उस दावे के बावजूद बैकफुट पर है उद्धव गुट। उद्धव की सीटों की मांग पर कांग्रेस को आपत्ति है। 2019 के विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एकीकृत शिवसेना चुनाव लड़ी थी और 124 सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़ा था, 54 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार 100 सीटें भी नहीं मिल रही हैं कांग्रेस के साथ जब वो हैं और चुनाव लड़ रहे हैं तब। और वहीं महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के बाद प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आइए सुन लेते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं महाविकास अघाड़ी के नेताओं की। सभा में हमने ये प्रूफ करके दिखाया है, प्रूफ किया है कि उनसे ज्यादा वोट शेयर, उनसे ज्यादा सीटें लोकसभा में धनुषबाण ने जीती हुई है, इसलिए विधानसभा में वही रिपीटेशन होगा। महाविकास अघाड़ी का जो भोपू है, वो भोपू तो ऐसे बात कर रहे थे कि हम सेंचुरी मारेंगे, 100 का आंकड़ा पार करेंगे। अभी क्या हो गया? अभी खुद के महाविकास अघाड़ी में उबाटा को 100 नई सीट मिल रही है और वो सत्ता में आने की बात कर रहे हैं। रही बात दूसरी कि 85-85 का आंकड़ा जो है वो पूरी तरह से झूठ है। कांग्रेस सूत्रों के, हमारे इन्फॉर्मेशन के अनुसार कांग्रेस 105 जगह पे लड़ रही है और शिवसेना की जो लायकी है, उनकी जो हैसियत है, वो कांग्रेस ने उनको दिखा दी है। महाविकास आघाड़ी लोगों को जो एक संभ्रम था कि क्या होगा, हमने सबने मिलकर फाइनल किया। पूरा शीट शेयरिंग का प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुका है और हम लोग संख्या पे बल पे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, तो हम लोग मेरिट पे। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करना है तो इसमें सीट शेयर कितना किसने लड़ा ये मायना नहीं रखता है, मायना ये रखता है कि कौन जीतेगा। तो हमारा पूरा आज हम सीट शेयरिंग के बाद में हमें पूरा कॉन्फिडेंस आया कि हम 200 के पार जाएंगे। तो महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला आया है उसको लेकर प्रतिक्रियाएं अभी आप सुन रहे थे। शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से भी प्रतिक्रिया, खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वहां जो कुछ हो रहा है उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, हम एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं चुनाव के बाद जो 23 तारीख का नतीजा आएगा। कांग्रेस कह रही है कि 200 सीट हम जीतेंगे मेरिट के आधार पर, हम सीटों की संख्या के आधार पर एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं कर रहे हैं, मेरिट के आधार पर तालमेल कर रहे हैं। इन सब के बीच क्या है स्थिति, असल स्थिति क्या है, जरा समझने के लिए रुख करते हैं मुंबई का। हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। अभिषेक जरा बताइए, महाविकास अघाड़ी में बातें सब कुछ तय हो गई हैं या अभी भी खींचतान जारी है? क्या उद्धव ठाकरे बड़े प्लेयर के तौर पर महाविकास अघाड़ी में सामने आएंगे या बराबर के दर्जे, बराबरी के दर्जे पर ही रहेंगे कांग्रेस एनसीपी शरद पवार और शिवसेना का जो गठबंधन है? देखिए आनंद विजय, जिस तरीके की कंडीशन है अभी फिलहाल तीनों ही पार्टियों को बराबर बराबर सीटें मिली हैं, 85-85-85, और इसमें अभी जो कुछ सीटें बची हैं उसमें कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा सीटें किसके कब्जे में जाती है। और चूंकि कल देर शाम को जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ग्रुप का नामांकन के लिए के पहले जो कैंडिडेट्स के सीट्स डिक्लेरेशन हुई उस पर भी कांग्रेस ने आपत्ति जताई और उसके बाद संजय राउत को मीडिया के सामने आकर कहना पड़ा कि कुछ सीटों का क्लेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ है, उसको क्लियर किया जाएगा। मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, आदित्य ठाकरे अब से कुछ देर में यहां से नामांकन भरने के लिए निकल रहे हैं। ये आदित्य ठाकरे के लिए रथ बनाया हुआ है और कुछ देर में आदित्य ठाकरे यहां से नामांकन के लिए निकलेंगे। ये वर्ली का इलाका है और वर्ली में
चूंकि आदित्य ठाकरे एक बार विधायक रह चुके हैं और दोबारा विधानसभा के लिए आदित्य ठाकरे नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं और लगातार यहां पर जो शिव सैनिक है पूरे महाराष्ट्र भर से वो यहां पहुंच रहे हैं, मुंबई भर के शिव सैनिक जो आसपास है वो पहुंच रहे हैं। चूंकि आदित्य ठाकरे एक बड़े नेता हैं, लिगेसी उनकी बाला साहब ठाकरे की है, उनके पिता खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र में और सियासत में किस तरीके का योगदान रहा है वो भी जानते हैं। तो महाराष्ट्र के भीतर महाविकास अघाड़ी की जो सीट शेयरिंग है वो सिर्फ 85-85-85 पर टच होकर रह गई है। चूंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप ने ये दावा किया था कि 100 सीटें उनके पास रहेंगी, कांग्रेस ने कहा था 185 इसमें रहेंगी। सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को हुआ है तो वो शरद पवार को हुआ है, क्योंकि जिस शरद पवार को ये माना जा रहा था कि 65 सीटें लेकर संतोष करना पड़ेगा, उन शरद पवार के पास अब तक 85 सीटें चली गई हैं और अभी भी उनको उम्मीद होगी कि कुछ और सीटें हथियाई जाए। लेकिन शिवसेना जो कि 100 सीटों से कम में आने के लिए तैयार नहीं थी, उन्हें 85 सीटें अभी फिलहाल पहली लिस्ट में पहली बार में घोषित करनी पड़ रही है। 65 लोगों की उम्मीदवारी जो दी भी है उसमें भी कई नाम और कई विधानसभा ऐसी है जिसमें आपत्ति है और भी फिलहाल उस पर काम चल रहा है। तो ये कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन है इस समय उद्धव ठाकरे ग्रुप की, किस तरीके से आगे ये पूरा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों पर लड़ेंगे ये तो अलग की बात है। क्योंकि महायुति लगातार महिला जो लाडली बहना योजना है उसको फोकस कर रही है, महायुति लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस कर रही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के पास जो है वो महायुति के भीतर करप्शन को मुद्दा बनाने की बात है। साथ ही साथ इस तरीके की सिचुएशन है। हमारे साथ सचिन आहिर हैं जो कि नेता। सचिन भाऊ, क्या क्या मुद्दे होंगे महाविकास अघाड़ी को, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि शिवसेना एक अच्छी खासी वोट बैंक उसकी है तो सीटें भी ज्यादा होगी, लेकिन 85-85-85 का जो फॉर्मूला आया कल उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में निराशा है? अरे जरूर कार्यकर्ताओं में निराशा होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पहले हम दो पार्टियां साथ में लड़ रहे थे, बीजेपी और शिवसेना, तो हमारी सीटों की संख्या ज्यादा थी। अब हमको ये समझना है कि अब तीन पार्टियां आई है और तीनों पार्टियां मजबूती से काम कर रहे हैं और लोकसभा में भी परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, क्योंकि लोकसभा में हमारी सीटें ज्यादा थी तो स्वाभाविक है उसकी तुलना में यहाँ पे भी मिलना चाहिए। उसके हिसाब से चर्चा जारी है और मुझे लगता है कि सकारात्मक निर्णायक दृष्टिकोण से सीटों का बंटवारा होगा और हुआ है। कुछ 10-15 सीटों के उसमें कुछ चीजें थी, वो भी आज कल में उसका अंतिम निर्णय हो जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो है सीटें वो एनसीपी के पास गई, आपके पुराने जो पार्टी थी वो सबसे ज्यादा बार्गेन करने में भारी रही। आपको बुरा लग रहा है क्या उसके बारे में? बुरा नहीं लग रहा, लेकिन शिवसेना का कम हुआ इसलिए बुरा नहीं। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको हमारे लिए बुरा लग रहा है, लेकिन जहाँ तक अलायंस की बात होती है कि उसमें मेरिट सीटों का देखा जाता है और अब तक अंतिम सूची आई नहीं है तो इसमें मुझे लगता है प्रतिक्रिया देना उचित नहीं हो। एक सवाल और है कि वर्ली की बात करें जहां से आदित्य ठाकरे हैं, दो विधायक ऑलरेडी हैं, आप हैं, सुनील शिंदे हैं, आदित्य ठाकरे हैं, उसके बाद भी वर्ली में कई जगहों पर ये प्रचार किया जा रहा है कि बाहरी बनाम आंतरिक या स्थानीय जो मुद्दा लिया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे से मिलना मुश्किल है, यहाँ पर कोई स्थानीय होना चाहिए, इस तरीके का अपोजिशन का जो एक प्रोपोगंडा है, जो एक प्रचार है, उसको कैसे काउंटर करेंगे? ये वही लोग हैं जो बता देवे कि राज ठाकरे जी को मिलना कितना आसान है। सवाल ये है कि एक जब नेता एक पार्टी का होता है उसकी जवाबदारी स्वाभाविक है एक मतदार संघ तक सीमित नहीं रहती है, उसके राज्य के लिए रहती है। ये लड़ाई राज्य के लिए लड़ी जा रही है, वर्लीकर भी राज्य का एक हिस्सा है और जहां तक वर्ली की बात है मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वर्लीकर पूरी साथ देने का काम इस लड़ाई में आदरणीय आदित्य जी को करेंगे और जो काम हमने विकास के किए हैं उनके सामने तो है ही है और जो हमने वादे किए वो भी आगे आने वाले सालों में हम पूरा करेंगे। एक आखिरी सवाल है सचिन भाऊ की, वर्ली में रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्लम कई जगहों पर लोगों से मुलाकात हुई, उनकी घर जमीनें ले गई, घर ले लिए गए, अब तक उनको घर नहीं मिले, भाड़े नहीं मिल रहे, इस तरीके की तमाम अलग अलग जगहों पर ये समस्याएं हैं, तो क्या 5 साल में उसको एड्रेस किया गया? क्या जरूर एड्रेस किया गया है। अब जीजा माता नगर के झोपड़पट्टियों को
स्कीम की एक्टिवेट करने का काम किया। धोबी घाट में जो लोग बाहर गए थे उन लोगों को घरे वापस लाने का काम किया। जूनी चालों का क्लस्टर करने का काम किया। बड़े बड़े रस्ते पोस्टल रोड को कनेक्ट करने का काम किया गया। तो विकास काम बहुत है। आगे आने वाले दिनों में ये सब मुद्दे हम लोगों के बीच में रखेंगे। बिल्कुल सचिन आहिर हाँ। जो कि शिवसेना के नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं एनसीपी से और हाउसिंग मिनिस्टर रहे हैं और अब चूंकि उद्धव ठाकरे ग्रुप में है और ऐसे में उनका कहना है कि इस समय प्रदेश को बचाने की लड़ाई चल रही है और आदित्य ठाकरे सक्षम नेतृत्व है प्रदेश को बचाने के लिए। लेकिन एक बात उन्होंने साफ कही कि 85 जो सीट का आंकड़ा आया उससे कार्यकर्ताओं में निराशा है शिवसेना के और उन्हें उम्मीद है कि और भी सीटें कुछ उन्हें मिल सकती हैं। बिल्कुल, और यही बात लोग पूछ भी रहे हैं कि एक बड़े भाई के तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करते थे और अब बराबरी पर वो उनको कांग्रेस रख रही है। लेकिन एक और रोचक इस चुनाव में चीज देखने को मिल रहा है जिसके बारे में आप अभी चर्चा भी कर रहे थे, पिछली बार भी जब बात हो रही थी तो कर रहे थे, इस बार 3 सेनाएं एक साथ आमने सामने हैं, शिवसेना शिंदे, शिवसेना उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मनसे। देखिए आनंद, ये समझना होगा कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे, इन तीनों में कहीं ना कहीं हिंदुत्व के वोट बैंक को लेकर के जंग छिड़ी हुई है कि कौन असली हिंदुत्ववादी नेता है। उद्धव ठाकरे पिछले चुनाव में जिस तरीके से उनके पास मुस्लिम वोट बैंक आया बीजेपी से जब वो अलग हुए, वो भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और आने वाले समय में क्या वो उनका वोट बैंक रहता है या खिसक जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। जरा आपको रोकना चाहेंगे, संजय राउत ने क्या कहा है वो भी जरा हम अपने दर्शकों को बता दें। सीट शेयरिंग को लेकर बात हम कर रहे हैं और सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने क्या कहा है सुनिए। शिवसेना ऑफिशियली कभी लिस्ट जारी नहीं करेगी। कल ट्विटर पर एक लिस्ट आई है, उसमें बहुत करेक्शंस है, वो करना पड़ेगा, वो आज हो जाएगा। लेकिन 3 पार्टी के लगभग 85 जो क्षेत्र है उस बारे में हमारा एकमत हुआ है और बाकी के जो बचे हैं विधानसभा उसके ऊपर अब शाम तक पूरा निर्णय हो जाएगा। हमारे कोई छोटे छोटे दल है, हमारे मित्र है, उनको भी सीटें देनी पड़ेगी, उस बारे में भी चर्चा हो रही है। मसला सीटों का नहीं है, जो जीतेगा उसको सीट है, कौन कितनी सीटें लड़ रही है ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूले की बात मत करिए आप, और हो जाएगा शाम तक, कोई चिंता की बात नहीं। चलिए, कह रहे हैं संजय राउत कि सब कुछ हो जाएगा, शाम तक सब हो जाएगा और सीटों के नंबर को लेकर कुछ कोई फॉर्मूला नहीं है, कौन जीतेगा ये अहम है इस बार। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार वहां के बारे में जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए।